हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अभी चैप्टर के स्टार्टिंग में भी हमने पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर उसके बारे में भी डिस्कशन किया था, फिर से उसका रिवीजन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो यहाँ पे एक डायग्राम है एक्स वाई प्लेन में, एक्स और वाई प्लेन है और यहाँ पर अपना ओरिजिन पॉइंट है। तो ओरिजिन पॉइंट के रिस्पेक्ट में किसी पार्टिकल की मूवमेंट जो है वो यहाँ पे डायग्राम में शो की हुई है, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे लिख देते हैं, एज शोन इन फिगर, इन एक्स वाई प्लेन पार्टिकल P is having position vector with respect to O is R। देखो P का position vector कितना है, R जितना, and 4P dash it is R dash। P डैश के लिए कितना है पोजीशन वेक्टर, R डैश जितना, ठीक है। तो P से P डैश जब भी हम जाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। याद रखो ये पोजीशन शो करता है P और P डैश की, इसलिए इसको पोजिशनल वेक्टर बोलते हैं। और ये डिस्प्लेसमेंट इसलिए क्योंकि ये फाइनल माइनस इनिशियल है, आया समझ में। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का यहाँ पे हमें डेफिनेशन मैथमेटिकल फॉर्म निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो इसका हो गया R डैश वेक्टर माइनस हो गया आर। सो हियर इज अ फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, आर डैश माइनस आर, आर डैश वेक्टर माइनस आर वेक्टर। और इसको दूसरी तरह से रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे, कि मान लो कि कोई एक पार्टिकल यहाँ पे इस पोजीशन पे है, उसका पोजीशन वेक्टर ओ के रिस्पेक्ट में आर है। दूसरा डायग्राम P आपको दिया हुआ है, देखो यहाँ पे P का जो पोजीशन वेक्टर है वो O के रिस्पेक्ट में R है। इसके दो कंपोनेंट्स मिल रहे हैं, X i कैप जो X एक्सिस पे है कंपोनेंट, और R का दूसरा कंपोनेंट है Y एक्सिस पे Y j कैप। सो R इज अ पोजिशनल वेक्टर विच इज़ गिवन बाय X i कैप प्लस Y j कैप। इट इज़ अ एडिशनल, सॉरी इट इज़ अ समेशन ऑफ दिस टू कंपोनेंट्स, X कंपोनेंट्स एंड दी Y कंपोनेंट्स, ओके। सो पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो आपको समझ में आ गया होगा। ए है पोजीशन वेक्टर और ये बीच वाला शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं, ओके। अभी देखो इसके दोनों के आपको कंपोनेंट्स भी दिए हुए हैं। तो यहाँ पे मान लो कि पी पॉइंट जो है टी टाइम पे उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, फोर पॉइंट पी एक्स वाई, पॉइंट पी जो है उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, एंड फोर पी डैश उसके लिए हम अज्यूम कर रहे हैं एक्स डैश वाई डैश, ओके। तो यहाँ पे दोनों का क्या मिलेगा, अपने डिफरेंस मिलेगा, मतलब अगर मेरे को डेल्टा आर फाइंड करना है, डेल्टा मतलब डिफरेंस, तो ये है फाइनल और ये इनिशियल, तो इसका फाइनल कंपोनेंट कौन सा है x डैश, और इसका इनिशियल कंपोनेंट कितना है x, और ये i का कंपोनेंट है, तो सेम यहाँ पे y डैश और y, ये हो गया अपना j कैप। तो डेल्टा r इज इक्वल टू, ये बन गया डेल्टा x i कैप और ये बन गया डेल्टा y j कैप, ओके। तो हियर इज अ पोजिशनल वेक्टर डेल्टा आर विच इज गिवन बाय टू कंपोनेंट, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। तो इससे हमें वेलोसिटी का कंसेप्ट मिलेगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक, वेलोसिटी।
क्योंकि वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट का टर्म आता है, तो एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय वी बार। फॉर्मूला क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, चलो तो अभी डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल जो यहाँ पे हमने लिखा है उसमें डिस्प्लेसमेंट जो है, ठीक है, वो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। अभी डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल है, उसमें डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आ रहे हैं, उसके कंपोनेंट डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, तो वी बार इज इक्वल टू इतना कंपोनेंट आ जाएगा। अभी यहाँ पे डेल्टा एक्स, सॉरी नीचे से स्टार्ट करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया ऊपर है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, तो थर्ड चैप्टर में हमने देखा था, और नीचे है अपना टाइम इंटरवल। ओके, अभी डेल्टा आर की तो वैल्यू आपको पता है, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप डिवाइड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी डेल्टा एक्स को भी मिलेगा और डेल्टा वाई को भी, दोनों को सेपरेट मिल गया, इसलिए एक्स कंपोनेंट अलग हो गया और यहाँ पे वाई कंपोनेंट मिल गया। ओके, तो वी बार मतलब एवरेज वेलोसिटी अगर निकालनी हो तो इसके दो कंपोनेंट्स के तहत हमें उसका एक्स और वाई कंपोनेंट अलग से मिलेगा, जो अपने यहाँ पे ऊपर की साइड शो किया है। वी बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। ओके, तो उसके बाद हम का हमारा टॉपिक है वो इंस्टास्टेनियस वेलोसिटी, इंस्टास्टेनियस वेलोसिटी। और इंस्टास्टेनियस में हम क्या लेते थे, लिमिट अज्यूम करते थे एवरेज वेलोसिटी का, इट इज लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का अगर लिमिट ले रहे हो तो हमें इंस्टास्टेनियस वेलोसिटी मिलेगी। तो v वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंस टू जीरो v बार। अभी v बार की तो वैल्यू डेल्टा के फॉर्म में हमारे पास थी, डेल्टा x डिवाइड बाय डेल्टा t इंटू आई कैप प्लस डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा t इंटू जे कैप। दोनों को सेपरेट अगर लिमिट दे दो, ये फर्स्ट को और सेकंड को, तो डेल्टा है वो किस फॉर्म में हो जाएगा, थर्ड चैप्टर में देखा था, वो d फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा, ये डी वाई बाई डी टी हो जाएगा। डी एक्स बाई डी टी दैट मीन्स वी वी एक्स बोलेंगे, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, आई कैप तो है ही, यहाँ पे हो गया वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, और ये हो गया जे कैप। तो वी वेक्टर मॉड्यूलस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हमें जो थीटा मिलेगा वो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी वाई डिवाइड बाय वी एक्स मिलेगा, जो हमने ऐसा ही फॉर्मूला भी जो प्रीवियस चैप्टर है उसमें भी हमने डिराइव किया था। ओके, तो ये हो गया इंस्टास्टेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का लिमिट फॉर्म लेते हैं तो हमें मिलता है इंस्टास्टेनियस वेलोसिटी। और साथ में आपको इंस्टास्टेनियस वेलोसिटी में कुछ ग्राफ्स भी ड्रॉ करने जो हमने यहाँ पे शो किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो कुछ ग्राफ्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं ग्राफ ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम में जो भी हमें वेलोसिटी फाइंड करते हैं, जिससे टाइम क्या होता है एवरी टाइम रिड्यूस हम करते हैं। तो यहाँ पे मान लो कि ये जो P पोजीशन है, P पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर R है, और यहाँ पे जो P1 पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर R1 है। तो ये हो गया V बार की डायरेक्शन, मतलब V एवरेज की डायरेक्शन। वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में होती है, इस डायरेक्शन में होती है। तो पहले थोड़ा ज़्यादा हमने यहाँ पे टाइम इंटरवल लिया, उसके बाद पाथ को हम शॉर्टेस्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे उस पाथ को शॉर्टेस्ट कर रहे हैं, इसलिए आपको क्या मिलेगा, एवरी इंस्टेंट यू विल फाइंड अ वेलोसिटी, देन आफ्टर वी विल रिड्यूस दिस पाथ बाय पी एंड पी टू। देखो पी का पोजीशन वेक्टर आर है और पी टू का आर टू है, ये वी बार की डायरेक्शन है,
सेम यहाँ पे भी ये वी बार की डायरेक्शन है, मतलब इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। ये जो डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में हमें एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन मिलेगी। तो सबसे लास्ट जो हमें यहाँ पे डायग्राम दिया है उसमें एक ही पॉइंट लिया है, सिंगल पॉइंट। तो सिंगल पॉइंट का मीनिंग क्या है? सिंगल पॉइंट का मीनिंग ये होता है कि यहाँ पे जो हमने ये शॉर्टेस्ट पाथ जो लिया था वो इतना रिड्यूस कर दिया कि एक ही पॉइंट मिला आपको। तो एक पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ पे होती है? तो ये आपको याद रखना है। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, एट पॉइंट पी इज ऑलवेज टेंजेंशियल एट दैट पॉइंट। अगर सिंगल पॉइंट पे ये पूरा पाथ था, उसके एक ही पॉइंट पे मतलब पी पॉइंट पे हम जब वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड करते हैं तो कहाँ पे मिलती है, कौन से डायरेक्शन में? उसका जो टेंजेंशियल पार्ट होता है वहाँ पे उसकी डायरेक्शन हमें मिलती है। ओके, तो ये हो गया डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ग्राफ।